हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूं अपने गांव में और आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं एमजी हेक्टर 7 मॉडल पेट्रोल ऑटोमेटिक का एवरेज टेस्ट की। ये देखेंगे कि 1000 रुपये के पेट्रोल में ये कितने किलोमीटर चलती है और 1 लीटर पेट्रोल में ये कितने का एवरेज देती है। तो अब आज हम चेक करेंगे। तो ये चलने के लिए अभी इसकी हम ट्रिप देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कुछ इसका सिचुएशन है, अभी ये 150 किलोमीटर चल चुकी है और 11.5 का एवरेज दिखा रही है हमें, लेकिन इसका पेट्रोल अभी रिजर्व में नहीं लगा है यहाँ पे। जब ये पेट्रोल की लाल लाइट जलेगी, रिजर्व में लग जाएगी, तो हम इसकी ट्रिप जीरो कर देंगे और इसमें 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे। उसके बाद 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद देखेंगे कि 1000 रुपये के पेट्रोल के बाद ये दोबारा से कितनी किलोमीटर चलने के बाद रिजर्व में लगती है। तो उस हिसाब से हम इसका एवरेज चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी हम अपने गाँव के रास्ते में, तो यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं कहीं कहाँ जाके इसकी रिजर्व की लाइट जलती है। अभी हम घूम रहे हैं खेतों की सड़कों पर ही। यहाँ पे सारी मतलब खेतों से निकल के जा रहा हूँ मैं। थोड़ी देर में हाईवे आने वाला है जो शामली बागपत हाईवे है, शामली दिल्ली हाईवे बोल दो, जो बागपत तक बना हुआ है। बागपत के बाद मैं पेरीफेरल पे चढ़ जाऊँगा, लेकिन अभी मैं खेतों से निकल के जा रहा हूँ। तो इसका जो एवरेज 11.5 का ये दिखा रही थी चलते टाइम, 10.5 पे आ चुका है वो। अभी तो हम नाप नहीं रहे, लेकिन इसके जो रिजर्व की लाइट है वो जलने वाली है थोड़ी देर में। और जैसे इसकी रिजर्व की लाइट जलेगी तो हम इसको ट्रिप को जीरो कर देंगे और उसके बाद फिर पेट्रोल डलवाएंगे। तो चलिए अभी इसी रास्ते से चलते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कहाँ जाके लाइट जलती है इसकी। ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का, बिल्कुल खेत हो यहाँ पे। तो अभी मैं गांव से चल के हाईवे पे थोड़ी देर चला था, यहाँ आके इसका रिजर्व की लाइट जल चुकी है। ये कुछ मैंने साइड में गाड़ी रोक रखी है। तो अभी देखते हैं, यहाँ की रिजर्व की लाइट जल चुकी है इसकी। तो अब इसकी ट्रिप मीटर को हम जीरो कर देते हैं। ऐसा कुछ इसका ट्रिप मीटर दिखा रहा है अभी। फ्यूल रिजर्व लग गया इसका, प्लीज रिफ्यूल। तो ये कल 164 किलोमीटर चल के 10 का एवरेज दिखा रहे, तो इसको हम ये इसका कुछ ट्रिप 2 है, 163 किलोमीटर है। इस ट्रिप ए को हम जीरो कर देते हैं अभी। अभी ये गाड़ी जीरो हो चुकी है ट्रिप, अब देखते हैं कितनी देर बाद जाके इसको दोबारा। हम अभी चलते चलते जो बड़ौद से पहले एक टोल प्लाजा है वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं दिल्ली मतलब शामली दिल्ली के बीच में एक ही टोल प्लाजा पड़ता है, तो ये टोल प्लाजा पे हम पहुँच चुके हैं। ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। ये मैंने ट्रिप जीरो कर दी थी। ट्रिप जीरो करने के बाद हम अभी तीन एक किलोमीटर थोड़े बहुत किलोमीटर चले हैं। अभी पेट्रोल पम्प आएगा तो हम उसमें पेट्रोल भरवाएंगे, तब तक हम ऐसे ही चल रहे हैं। ये कुछ टोल प्लाजा हो गया यहाँ का, फास्टैग इसका नहीं है, उसके लिए फास्टैग मिल जाएगा। जीवना टोल प्लाजा नाम है इसका, इसे बोलते हैं जीवना टोल प्लाजा। वेलकम टू जीवना टोल। तो अभी हम जीवना टोल प्लाजा पे हैं, यहाँ से निकलते हैं अभी टोल दे के अपना। फास्टैग से टोल कट के अब हम निकल चुके हैं जीवना टोल प्लाजा से। अब आगे कहीं पेट्रोल पंप ढूंढ के इसमें 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और फिर देखते हैं कितने किलोमीटर ये चलेगी। तो चलिए आप रूट कैंसिल कीजिए, हम पेट्रोल पंप
तो अभी हमने बड़ौत क्रॉस कर लिया है और अब हम बड़ौत निकलने के बाद कहीं पेट्रोल डलवाएंगे। अभी हमने पेट्रोल नहीं डलवाया, हमने मतलब मैंने अभी पेट्रोल नहीं डलवाया इसमें। अब आगे पेट्रोल पंप आएगा तो उस पर रुक के पेट्रोल डलवाता हूँ। अभी हम चल चुके हैं 16 किलोमीटर जब से ये रिजर्व में लगी है, तो आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, इस पर पेट्रोल डलवा लेते हैं 1000 रुपये का। तो ये पेट्रोल पंप आ चुका है और ये कुछ ऐसे अभी देख सकते हैं 16 किलोमीटर चले हैं। तो अभी इस पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डलवाते हैं 1000 रुपये का। SR का पेट्रोल पंप मैंने इसमें डलवा लिया 1000 रुपये का पेट्रोल और ये इसके एक डंडा पेट्रोल आया इसमें। तब हम हैं मतलब मैं हूँ अभी बागपत से 10-15 किलोमीटर दूर, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कितने किलोमीटर तक ये जाके दोबारा रिजर्व में लगती है। अभी ये ऐसे कुछ हाईवे है, मैं हाईवे पर चढ़ रहा हूँ खतरनाक तरीके से, तब आगे चल के देखते हैं कहाँ तक जाती है। तब तक आप म्यूजिक को एंजॉय सामने लेफ्ट में कटेगा हाईवे। बागपत से पार करने के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे हम चढ़ जाएंगे और यहाँ टोल कटेगा थोड़ा बहुत, पता नहीं कितना कटेगा। तो ये शामली से चल के जो हाईवे बना हुआ है दिल्ली वाला, वो यहीं तक बना हुआ है, यहाँ के बाद वो टूटा हुआ ही है। तब हम चल रहे हैं बागपत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, चलिए देखते हैं क्या होता है। बंद है वो, हमारे पास भी है देखो, तू है पल वाली ट्रक वाले गाड़ी चलाते ना हरियाणा की, अपना गाड़ी में से बचा रखा है, एक दो पीस कस्टम का माल है। अच्छा नहीं यार, मेरे पे तो है, देख रख ये है, तो मेरे पे तो है, मैं दूसरी लेके क्या करूँगा, अपना आधे रेट में ले जाऊँगा, देख लो समझ। मेरे पे तो असली वाली है ना, तू लूँगा दूसरी नहीं जी, नहीं जी है मेरे पास, ले लेता मैं। तो भाई यहाँ फ्रॉड वाले मिल गए थे मुझे, कह रहे थे ट्रक में तो कस्टम वाली तार रखी है, आधे रेट में दे देंगे ब्लूटूथ। फिर जो फर्स्ट कॉपी मिलती है 1000-1000 रुपये की, वो वाली ले रहे अपने हाथ में, जो कह रहे जो ब्लूटूथ वाली एप्पल की एयरपोर्ट बेच रहा था, यहाँ मुझे एक फंस गया। टोल खोल दे भाई, खुल गया, जो बेच रहा था मुझे एप्पल के एयरपोर्ट, कह रहा मैंने कहीं ट्रक में से तार रखे, कस्टम का माल बता के बेच रहा था मुझे, जो 1000 रुपये की कॉपी आ गई उसे किसी को 5000 में चेप देगा यहाँ। तो हमने एंट्री ले चुके गाजियाबाद कुंडली हाईवे पे, गाजियाबाद कुंडली नहीं मतलब बागपत गाजियाबाद पेरिफेरल पे एंट्री ले चुके हैं, हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ से फ्रॉड वाले भी खड़े रहे हुए हैं, तो आपको कुछ भी फर्जी चीज बेचने की कोशिश करेंगे, कह रहे हैं मुझे एयरपोर्ट ले लो, कस्टम का चुरा रखे मैंने ट्रक वाला आदमी को, मैं आधे रेट में दे दूंगा, आधे रेट में क्या 1000-1000 रुपये में फर्स्ट कॉपी मिल जाएंगे, वो वाली ले रहा हुआ है। अब देखो अब हम चढ़ चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी खींच गई है, कोई नहीं, अब आप रोड का एंजॉय लो, अब हम सीधे चलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलेंगे। अभी हम पेट्रोल मतलब रिजर्व लगने के बाद 40 किलोमीटर चले थे अभी हम, अभी तक तो चल ही रही है, रिजर्व देखेंगे कितने किलोमीटर पर जाके लगेगा इसका। तो
आप रोड का एंजॉय कीजिए और हम चलो। अभी मैं चल रहा हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे और मैंने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है 110 की स्पीड पे। 110 नहीं, पूरा भी नहीं है, 105 की स्पीड पे लगा रखा है क्रूज कंट्रोल। ऐसा कुछ यहाँ पे रोड है तो अभी एक क्रूज कंट्रोल पे चल रही है गाड़ी, तो एवरेज अच्छा ही दे रही होगी। अभी हम आधे रास्ते पहुँचे हैं, अभी गाजियाबाद नोएडा पहुँचने में अभी है आधा घंटा और लगेगा, तो अभी चलते रहते हैं हम। आगे जाके देखते हैं कहाँ तक जाके रिजर्व में लगती है और फिर जाके देखेंगे कि इसका एवरेज कितना आता है। अभी तक तो इसमें दूसरा जो डंडा है पेट्रोल का वो दिखा रहा है, बाकी देखते हैं कहाँ तक चलता है वो। आप रोड का एंजॉय लेते रहिए, चलते हैं। तो अभी गाजियाबाद का एग्जिट यहाँ से 5-4 किलोमीटर दूर है, अब वहाँ गाजियाबाद के एग्जिट पे हम यहाँ से एग्जिट लेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, अब गाजियाबाद का जो एग्जिट आएगा वहाँ जाके हम एग्जिट लेंगे और फिर जाएंगे घर अपने। तब तक अभी तो इसका पेट्रोल का डंडा चल रहा है, देखते हैं कहाँ से चलते। तो ये गाजियाबाद का एग्जिट आ चुका है, एग्जिट नंबर 4। पहले मेरठ का एग्जिट है, उसके बाद गाजियाबाद का एग्जिट है। हम यहाँ से दुहाई वाला एग्जिट आता है ना गाजियाबाद में, तो हम दुहाई का एग्जिट पे यहाँ से एग्जिट लेंगे दुहाई में। अभी हम दुहाई में गाजियाबाद मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो दुहाई वाला एग्जिट है वो ले रहे हैं। ये हमारे सामने फिर से टोल आ चुका है, यहाँ पे फिर टोल कटेगा, टोल कटवाते हैं और नीचे निकलते हैं। ले लिया है एग्जिट, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब आप रोड का एंजॉय लीजिए, नहीं तो आप थोड़ी देर रोड का एंजॉय लीजिए, फिर देखते हैं आपसे मिलते हैं कहाँ जाके क्या रिजर्व में लगती है। अभी हम 69 किलोमीटर चल चुके हैं जब से रिजर्व में लगी थी, और ये अभी गाड़ी एवरेज दिखा रही है 12.5 किलोमीटर पर लीटर का। अब रियल में देखते हैं कितना एवरेज देगी, अब आगे चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ गाजियाबाद में। गाजियाबाद में आने के बाद हम जाएंगे वसुंधरा इंद्रपुरम होते हुए अपने घर नोएडा में। तो अभी तक बीच में 12 का एवरेज दिखा रही है, 77 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो आगे जाके देखते हैं कहाँ जाके इसका रिजर्व लगता है, तब तक आप रोड का एंजॉय लीजिए। यहाँ पे चल रहा है रैपिड रेल का काम, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े से बैरिकेड लगे हुए हैं। रैपिड रेल बन रही है राइट में, दिल्ली मेरठ RRTS बन रही है जो रैपिड रेल होगी। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ, ये है मेरठ मोड़ गाजियाबाद। आप रोड का एंजॉय लेते रहिए, आगे जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से लेफ्ट ले रहा हूँ, ये जो गाजियाबाद वाला पेरिफेरल नहीं क्या कहते इसको, एलिवेटेड रोड है राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, इसके नीचे से होके इंद्रपुरम होके नोएडा जा रहा हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर रास्ता है, आप देखते रहिए। अभी चलते रहते हैं, ये मेरे ऊपर है राजनगर एक्सटेंशन वाला एलिवेटेड रोड, और उसके नीचे जो रोड है उस रोड से होके इंद्रपुरम होके फिर नोएडा जाना है। ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अभी भी 12 का एवरेज दिखा रही है गाड़ी अपने आप, तो 80 किलोमीटर चल चुकी है तब से रिजर्व में लगी।
तब देखते हैं कितने किलोमीटर और चल पाएगी। अगर ये 12 का एवरेज दिखा रही है तो 120 पे जाकर रिजर्व में लगनी चाहिए, लेकिन अब थोड़ी बहुत और देर यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगेगा तो ट्रैफिक जैम में इसका एवरेज 12 से 10 पे आ जाएगा और ये 100 पे जाकर रिजर्व में लग जाएगी जहाँ तक आइडिया है मुझे। तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक जाके लगती है, चलते रहते हैं। वो तो ये ऊपर है एलिवेटेड रोड, नीचे वैसी नॉर्मल रोड, तो नॉर्मल रोड पर मैं चल रहा हूँ। चलिए 89 किलोमीटर और इसका एवरेज आ गया 11.6 पे। थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में फंस गई, 11.6 पे इसका एवरेज आ चुका है। ये मेरे सामने नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अभी देखते हैं 90 किलोमीटर चल चुकी है, 10 किलोमीटर चलेगी, 11 चलेगी, कब जाके इसका रिजल्ट चलेगा तब देखेंगे और तब इसका एवरेज चेक करेंगे। अभी चलते रहते हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नोएडा में और अभी तक 93 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और अभी भी 11.9 का एवरेज दिखा रही है ये मीटर में। तो 93 किलोमीटर चलने के बाद अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है ये। ऐसे कुछ रोड है, तभी मैं पहुँच चुका हूँ सेक्टर 50 नोएडा मेट्रो के नीचे से निकल रहा हूँ। 95 किलोमीटर चल चुके हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे। तो अभी तक गाड़ी चली है 101 किलोमीटर और ये एवरेज दिखा रही है 11.9 किलोमीटर पर लीटर का। अभी इसमें पेट्रोल थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये 10 किलोमीटर और चल जाएगी, तो वही एवरेज है। 1000 रुपये के तेल में चलती है 11.9 किलोमीटर। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूँ फ़ोन में। 1000 रुपये में आता है 10.52 लीटर पेट्रोल और इसमें 10 अभी हमारी गाड़ी चलेगी 120 किलोमीटर, 120 डिवाइडेड बाय 10.52, तो ये इसका एवरेज निकल गया है 11.40। तो ये था कुछ 11.40 किलोमीटर पर लीटर एमजी हेक्टर का एवरेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए मेरी इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। तो चलिए चलते हैं घर पे, बाय बाय। Thank you.